स्टूडेंट अपनी बात पर उतर माने गए। तो अब आप देख रहे जो युवा जब जागता है तो पूरा देश बदलता है। अब युवा अपनी मांग को हम लोग आज यहाँ पे एसएससी में भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग एक महीना से आंदोलन चल रहा है और हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर नौकरियों में करप्शन रहेगा, अगर नौकरियों में इसी तरह से लूट होती रहेगी तो जाहिर तौर पे छात्रों का भविष्य अंधकार में जाएगा। 30 लाख 40 लाख रुपए से अगर नौकरी बेच दी जाएगी तो प्रतिभाशाली लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। इससे सिर्फ हमारा नुकसान नहीं होगा, इस देश का नुकसान होगा। इसलिए हम लोगों ने कहा है, हम लोगों ने चौकीदार साहब से कहा है कि हमें चाहिए रोजगार, कब जागोगे चौकीदार। हम लोग इस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक भ्रष्टाचार की सीबीआई जाँच नहीं हो जाती। सुनील मौर्य, रोजगार मांगे इंडिया। या आप देख रहे हैं पूरा ट्रैफिक को बाधित हो गया है। क्यों ना हो बाधित, जब स्टूडेंट अपनी बातों पर उतर आता है, जब उनकी नौकरी छीनी जाती है, एक तरफ प्रधानमंत्री जी पकौड़े बिकवाने का काम करते हैं तो दूसरी तरफ ये स्टूडेंट आज बहुत तादाद के अंदर अपनी मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मार्च को लेकर आते हुए स्टूडेंट को घेरा जा रहा है कि अपनी मांग को ना करें। मानते कि इन्हें सरकारी बद्दी है, लेकिन एक जो शिष्टाचार है व्यक्तिगत है, इनके भी बच्चे होंगे, लेकिन वो रोका जा रहा है और यहाँ के बल का ही प्रयोग किया जा रहा है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये बल का प्रयोग किया जा रहा है, पूरी फोर्स इनके सामने लगा दी गई है। लाखों की तादाद में स्टूडेंट अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपनी मांगों को मंगवाने के लिए बहुत तादाद के अंदर रोड पर पैदल मार्च कर रहे हैं। कनाट जो दिल्ली का दिल है, कनाट प्लेस के अपनी मांग को लेकर धरना पर